हेलो स्टूडेंट यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जे क्लासेस मेरठ माय नेम इज गोविंद सैनी स्टूडेंट जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारे बीटेक थर्ड सेमेस्टर का थर्मोडाइनेमिक का सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हमारी चल रही है यूनिट नंबर फाइव और ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी और इसमें हम डिस्कस करेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कि हमारे जो यूनिट फाइव में जो क्वेश्चन थे रैंक साइकिल से रिलेटेड से रिलेटेड उनके क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे और जो पेपर में हमारे पूछे जाते हैं ठीक है स्टूडेंट तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था मोलियर चार्ट डायग्राम के बारे में और आपका टेबल स्टीम टेबल के बारे में कि कैसे हम मोलियर चार्ट डायग्राम को अपना उससे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और स्टीम टेबल से कैसे हम उसको यूज करके अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं हम उससे कैसे हम वैल्यू को अपनी लेते हैं ठीक है तो आई होप आप लास्ट क्लास में सारी वैल्यू को समझ चुके होंगे स्टीम टेबल को पढ़ना समझ चुके होंगे और मोलियर चार्ट मोलियर चार्ट डायग्राम से आप अपनी वैल्यू को देखना समझ चुके होंगे तो और देखते हैं अपने कैसे हम अपने मतलब फॉर्मूले अप्लाई करके इसमें करेंगे तो स्टूडेंट फॉर्मूले को मतलब जो क्वेश्चंस हैं उनमें कौन कौन से फॉर्मूले हमारे रिलेटेड यूज होते हैं जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अगर फॉर्मूले की बात करूं तो हमारा अगर मुझे एंट्रोपी निकालनी होती है तो एंट्रोपी हमारी क्या होती है एस एफ प्लस के एक्स एस एफ जी ठीक है एस एफ जी ये फॉर्मूला था और अगर मुझे हैं तो के के लिए हम क्या प्लस ठीक है HF K, HFG, और आपको मैंने बताया कि अगर मुझको नेट वर्क निकालना होता है तो हमारा अगर इन द टर्म ऑफ द रेनकाइन साइकिल तो रैनकाइन साइकिल में हमारा एक टर्बाइन वर्क होता है ठीक तो है तो नेट वर्क निकालते हैं तो नेटवर्क निकालते हैं स्टूडेंट तो नेटवर्क हमारा क्या होता है टर्बाइन का वर्क होता है टर्बाइन का वर्क और माइनस के पंप का वर्क करते हैं किसका पंप का वर्क करते हैं अगर हमको फिर इफिशेंसी निकालनी है, की, की की होती है टर्बाइन की टर्बाइन की कितनी इफिशेंसी होती है तो को हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में और ये फॉर्मूले यूज होकर हम क्या करेंगे अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे अपनी रैनकाइन साइकिल की इफिशियंसी को निकालेंगे कि हमारी जो रैनकाइन साइकिल की इफिशियंसी आती है वो कितनी आती है ठीक है स्टूडेंट तो ये फॉर्मूले मैंने पीछे आपको डिस्कस कर लिए थे ये इनको मैंने आपको ड्राइव कराया था कि हम कैसे एंट्रोपी को निकाल सकते हैं कैसे हम अपनी एंथेल्पी को निकाल सकते हैं और आपको नेट हमको नेट वर्क चाहिए तो नेट वर्क क्या होता है जो को टरबाइन से वर्क हमको मिलता है लेकिन पंप को वर्क हम देते हैं तो ऑफिसली कितना वर्क किया गया तो उसको हम क्या करेंगे टर्बाइन में से पंप को माइनस कर देंगे तो हमारा नेटवर्क निकल के आ जाएगा और इफिसंसी आप लोग जानते हैं किसी भी सिस्टम की किसी भी मशीन की इफिशियंसी क्या होती है आउटपुट अपॉन इनपुट तो हमको यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारा डब्ल्यू नेट मिल रहा है और इनपुट में क्या दे रहा हूँ उसको

Coming out of उट ऑफ इट एट जीरो 100 degree Celsius determine dryness fraction of steam तो so, केवल okay, well, इसमें आपको ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू को बताना है कि ड्राइनेज फ्रक्शन की वैल्यू हमारी क्या होगी ठीक है स्टूडेंट तो क्वेश्चन में क्या एक थ्रोटल डिवाइस है तो थ्रोटल डिवाइस का मतलब आपको इस तरीके से थ्रोटल डिवाइस है ठीक है क्या एक थ्रोटल डिवाइस कह सकते हैं हम इसको ठीक है जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो रहा है यहां पे हमारी स्टीम एंटर कर रही है और स्टीम जब एंटर कर रही है तो उसका उसके ऊपर हमारा जो हमारा प्रेशर था मान लीजिए यहां पे लिख लेते हैं गिविन में हमको क्या क्या दे रखा है स्टूडेंट जब हमारा एंट्रिंग प्रेशर तो एंटर प्रेशर मैंने इसको पीवन मान लिया तो पीवन की वैल्यू दे रखी है टेन मेगा पासकल ठीक है टेन मेगा पासकल जब आउटलेट हो रहा था तो तब उसका प्रेशर इनका क्या होगा कम हो गया जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट जीरो फाइव मेगा पास हो गया ठीक है और वहाँ पे जो टेम्परेचर दे रखा है वो 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है अब हमको यहाँ पे बताना है फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी ठीक है एक्स की वैल्यू क्या होगी उस वैल्यू को हमको यहाँ पे क्या करना है बताना है तो ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू को हमको क्या करना है स्टूडेंट बताना है ठीक है तो यहाँ फ्रैक्शन की वैल्यू को कैसे निकालेंगे तो मैंने आपको स्टीम टेबल में बताया था स्टीम टेबल में हमारा जो प्रेशर का टर्म होता है वो हमारा बार में होता है यहाँ पे दे रखा है बेगा पासकल में तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा इसको कन्वर्ट करना होगा बार में और हम जानते हैं एक बार बराबर होता है टेन की पावर फाइव पासकल कितना की पावर तो हाँ तो हो हो क्या होता है मेगा में हमारा मतलब टेन की पावर सिक्स होता है तो टेन की पावर सिक्स पास कल हो गया ठीक है अब यहां पे मैं क्या करूं स्टूडेंट इसको तो अगर मैं यहां पे इसको क्या कर सकता हूं टेन मल्टीप्लाई टेन इंटू टेन की पावर फाइव पास कल हो जाएंगे

इसमें क्या करेंगे मेगा में तो इसमें भी इसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव इसमें टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा जीरो पॉइंट फाइव हमारा क्या जाएगा बार आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव जाएगा स्टूडेंट बार आ जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब क्या है जो हमारी वैल्यू दी होती है पहले उनको कन्वर्ट करना होता है बार में और हमारा स्टीम टेबल में मैंने आपको बताया था जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में ही होता है और बार जो प्रेशर होता है वो हमारा बार में होता है तो यहाँ पे हमको जो हमारा पीवन की वैल्यू निकल पीवन की वैल्यू निकल गई हंड्रेड बार और पी टू की वैल्यू निकल गई जीरो पॉइंट फाइव बार तो यहाँ पे क्या हो रहा है जब हमारा एंटर कर रहा है तो उस टाइम पे प्रेशर कितना 100 बार था और एग्जिट कर रहा है तो उस टाइम पे प्रेशर मेरा कितना 0.5 बार होगा इन द टर्म ऑफ द थ्रोटलिंग डिवाइस तो थ्रोटलिंग डिवाइस में हमारा प्रेशर एंटर कर रहा है इन द टर्म ऑफ द हंड्रेड बार एग्जिट कर रहा है जीरो बार तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या होगी बढ़ जाएगी तो कहने का मतलब क्या है मान लीजिए कोई भी हमारा एक इस तरीके से थ्रोटलिंग डिवाइस है ठीक है जहां पे हमारा एंटर कर रहा है तो वहां पे इसका प्रेशर कितना था हंड्रेड बार था लेकिन एग्जिट करने पर हमारा प्रेशर हो गया जीरो बार 0.5 बार हो गया तो कहने का मतलब क्या है जब प्रेशर घटता है तो स्पीड हमारी बढ़ जाती है और यहाँ पे क्या होगा प्रेशर बढ़ रहा है तो स्पीड हमारी घट जाएगी ठीक है तो ये इन द टर्म आप लोग जानते होंगे मैंने स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन में आपको थ्रोटिंग डिवाइस नोजल डिवाइस इन सब के बारे में बताया था कैसे-कैसे वर्क करते हैं ठीक है तो उसको बताना है मुझे का... प्रीफर नहीं है उसको मैं यहाँ नहीं बता रहा हूं ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं easily, easily हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को <coughs> तो इसमें देखते हैं हम ड्यूरिंग थ्रोल्टिंग प्रोसेस हमारा यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस ड्यूरिंग थॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है मैंने आपको बताया था थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हमारी जो एंथैल्पी होती है दैट विल बी इक्वल या कांस्टेंट होती है जो मेरी इनलेट पर मेरी एंथैल्पी होगी वही मेरी क्या होता है आउटलेट पर एंथैल्पी होती है तो मैं कह सकता हूं कि मेरी जो h1 होगा वो मेरा h2 के बराबर होगा h1 जो होगा स्ट्रेंड मेरा किसके होगा h2 के बराबर होगा ठीक है तो हम देखेंगे यहां पर हम देखेंगे वैल्यू निकालेंगे एट 100 बार पर मतलब मतलब कहने का मतलब क्या है जब हमारे थ्रोटल से पहले मतलब थ्रोटलिंग था उस पर हमारी कितनी कितनी वैल्यू है तो यहाँ पे देखेंगे क्या निकालना है स्टूडेंट ड्राइनेज फ्रैक्शन निकालना है और ड्राइनेज फ्रैक्शन निकालने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि एच बराबर एच एफ प्लस के एक्स एच एफ जी होता है फॉर्मूला भाई एंथेल्पी निकालने के लिए हम क्या करते हैं एच एफ प्लस के एक्स एच एफ जी और यहाँ पे ड्राइनेज फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू को मुझको क्या करना है फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी वैल्यू को निकालेंगे बाय द स्टीम टेबल से कि हमारी स्टीम टेबल से हमारी वैल्यू क्या होगी तो उनको देखेंगे स्टूडेंट तो मैं स्टीम टेबल प्रेशर के आप भी अपनी स्टीम टेबल ओपन कर लीजिए और वहां पर देखिए जो हमारा प्रेशर है प्रेशर कितना दे रखा है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर हमको देखेंगे कि हमारा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर कितना दे रखा होगा तो यहाँ पे हमको वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट यहाँ पे हमको वैल्यू दे रखी है कि एच टू की एक हमको वैल्यू दे रखी है एच H... मतलब पहले हम देखेंगे 100... मतलब यहाँ पे हम देखेंगे प्रेशर हंड्रेड बार पर सॉरी हंड्रेड हाँ, बार ये है। ठीक है तो हंड्रेड बार पर हम प्रेशर देखेंगे कितना आएगा स्टूडेंट यहां पर हंड्रेड बार पर हमारा प्रेशर आ रहा है एच एफ की वैल्यू देखेंगे एच एफ एट हंड्रेड बार तो हमारी वैल्यू आ रही है यहां पे स्टूडेंट हमारी वैल्यू आ रही है चौदह जीरो आठ किलोजूल पर के जी किलोजूल पर के जी और यहाँ पे एच एफ जी की वैल्यू देखेंगे हंड्रेड बार पर तो हमारी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट कितने तेहरा उन्नीस तेरह उन्नीस पॉइंट सेवन किलोजूल पर के जी ठीक है अब यहाँ पे क्या करेंगे H2 क्योंकि H1 बराबर है H2 के और यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी H2 की तो H2 की हमारा स्टेट कितने पर दो पर जब हमारा प्रेशर कितना है स्टूडेंट यहाँ पर प्रेशर है हमारा कितना जीरो पॉइंट फाइव बार पर तो जीरो पॉइंट फाइव बार पर हम देखेंगे तो यहां पे हमारी एच टू की वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट एच टू की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट होके आएगी हमारी कितनी ट्वेंटी सिक्स फोर्टी सिक्स टू सिक्स फोर सिक्स जूल पर के जी ये सारी वैल्यू मैं स्टीम टेबल से देख के लिख रहा हूं ये सारी वैल्यू कहां से देख के लिख रहा हूं स्टीम टेबल से देख कर लिख रहा हूं ठीक है स्टूडेंट अब यहां पे फॉर्मूला है हमारा ये वाला तो यहां पे लगा देंगे एच वन बराबर एच एफ प्लस के एक्स एफ एच एफ जी कहने का मतलब क्या एट द प्रेशर ऑफ एट एट द प्रेशर ऑफ एट द प्रेशर ऑफ हंड्रेड बार तो हंड्रेड बार पर हम देखेंगे हंड्रेड बार का जो प्रेशर है वहां पे हमारी वैल्यू देखेंगे तो हम जानते हैं एच बार बराबर क्या है एच टू है तो यहाँ पे मैं H2 की वैल्यू लिख दूंगा तो ट्वेंटी वैल्यू कितनी आई है चौदह जीरो आठ प्लस के एक्स और एच एफ जी की वैल्यू आई है तेहरा उन्नीस तेहरा उन्नीस पॉइंट सेवन ठीक है तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू को निकालेंगे कि हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी स्टूडेंट देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ट्वेंटी सिक्स फोर्टी सिक्स माइनस वन फोर जीरो एट इक्वल डिवाइड बाई वन थ्री वन नाइन पॉइंट सेवन इक्वल जीरो पॉइंट नाइन थ्री तो जीरो पॉइंट नाइन थ्री हमारी यहाँ पे क्या निकल गई ड्रेनेस फ्रैक्शन की वैल्यू निकल गई है तो कह सकते हैं कि हमारा जो मतलब थ्रोटलिंग के अंदर जो हमारी स्ट्रीम एंटर कर रही थी उसका जो ड्रेनेस फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा जीरो पॉइंट नाइन थ्री होगा कि उसके अंदर हमारा कितना हमारा 93 मतलब 93 परसेंट तो हमारा कितना है उसमें वेपर है 93 परसेंट कितना वेपर है और 7 परसेंट उसमें क्या है लिक्विड है सेवन परसेंट क्या उसमें लिक्विड है तो दोनों का मिक्सर हो गया ये क्या हो गया मिक्सर हो गया ठीक है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ड्रेनेज फ्रैक्शन होगा वो हमारा कितना निकल गया? निकल गया के आया है तो हमारी जो स्टीम है उसके अंदर 93 तो हमारा वेपर है और हमारा सेवन परसेंट उसके अंदर क्या है लिक्विड है ठीक है तो इस तरीके से क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को निकालेंगे सोल्व करेंगे केवल हमको क्या निकालना था ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू को निकालना था कि हमारी जो ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी तो छोटा सा क्वेश्चन है इसमें कोई हमारा अंतर नहीं है ठीक है स्टूडेंट ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए रिजिड वैसल कंटेन लिक्विड वेपर मिक्सचर एक रिजिड वैसल है एक बर्तन है रिजिड वैसल है कंटेन लिक्विड वेपर मिक्सचर उसके अंदर क्या है लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है ठीक है इन द रेशियो ऑफ थ्री बाय टू बाई वॉल्यूम उसके वॉल्यूम का थ्री बाई टू रेशियो उसके अंदर क्या है मिक्सचर है डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ द वेपर मिक्सचर हमको बताना है कि उसके अंदर जो स्टीम है जो वेपर है उसकी क्या क्वालिटी है उसके अंदर कितना स्टीम है कितना मतलब कितना उसके अंदर हमारा ड्राई स्टीम है और कितना लिक्विड है उसको बताना है ठीक है एंड टोटल मास ऑफ द फ्लूड और उसका टोटल मास भी हमको आइडेंटिफाई करना है इन वैसल इन द वॉल्यूम ऑफ वैसल इज और हमको वॉल्यूम जो दे रखा है वैसल का टू मीटर क्यूब दे रखा है एंड इनिशियल टेम्परेचर इज वन डिग्री सेल्सियस उसका जो

वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस हमको क्या दे रखा है स्टूडेंट टेम्परेचर दे रखा है हमको एक वॉल्यूम दे रखा है कितना टू मीटर क्यूब हमको वॉल्यूम दे रखा है और यहां पे कह रहा है कि रेशो है, का mixture, mixture, जो दे रखा है स्टूडेंट वो कितना दे रखा है हमको रेशो हमको दे रखा है थ्री बाय टू का थ्री बाई टू को हमारा क्या है है ठीक इतना सब कुछ हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे इसको स्टूडेंट देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट अब क्या रहा है कि हमारा दो, आ, दो मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम है और उसमें हमारा कितना तीन बाई टू मतलब लिक्विड का तीन है कितना है, वेपर कितना है तो ये यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आएगी ठीक है तो हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से देखेंगे स्ट्रेंड कि मान लीजिए मेरा मान लीजिए मेरा क्या है एक दो वॉल्यूम है ठीक है दो वॉल्यूम है और दो वॉल्यूम को मुझको क्या करना है उसको टुकड़े करने हैं कितने तीन और दो पांच जिसमें कि मेरा तीन पार्ट तो मेरे लिक्विड हो गया तीन पार्ट तो मेरे लिक्विड होगा, दो पार्ट मेरा वेपर हो गए तो कहने मतलब टोटल हमारे कितने पार्ट है पांच पार्ट है तो मुझे दो के पांच टुकड़े करने होंगे तो मान लीजिए एक दो तीन चार पांच मेरे दो के मैंने क्या कर दिया पांच टुकड़े कर दिए और जिसमें कि तीन मेरे क्या है स्टूडेंट मेरा वेपर है मतलब लिक्विड है और दो मेरे किसके हैं वेपर के हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं दो के पांच टुकड़े करूँ तो एक टुकड़ा मेरा कितने का बैठेगा एक टुकड़ा मेरा कितना के बैठेगा तो पांच को मैंने क्या करा सॉरी दो को मैंने डिवाइड करा पांच से तो आया जीरो

1.2 मीटर क्यूब ठीक है और जो मेरे वेपर का होगा वो हो जाएगा स्टूडेंट मेरा जीरो पॉइंट एट मीटर क्यूब समझ में आगे कैसा आया कि यहाँ पे मेरा जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा 1.2 होगा और जो मेरा वेपर का वॉल्यूम होगा जीरो क्यूब होगा अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आएगा टू वॉल्यूम आएगा एज ए गिवन ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन में हमको ये क्या दे रखा है स्टूडेंट दिया हुआ है है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वाटर कि हमारा जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वाटर कि वाटर ने कितना वॉल्यूम को ले रखा है वन पॉइंट टू मीटर क्यूब वन पॉइंट टू मीटर क्यूब ले रखा है ठीक है और वॉल्यूम ऑफ स्टीम वॉल्यूम ऑफ स्टीम स्टीम का कितना वॉल्यूम है स्टूडेंट जीरो पॉइंट एट मीटर क्यूब कितना स्टूडेंट जीरो पॉइंट एट मीटर क्यूब है अब यहां पे हम बात करेंगे कितना मास ऑफ लिक्विड का है मतलब लिक्विड में हमारा कितना मास है लिक्विड में हमारा कितना मास है हम उसको देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे अपनी वैल्यू को देखेंगे बाय द स्टीम टेबल से बाय स्टीम टेबल बाय स्टीम टेबल एट हंड्रेड डिग्रीड डिग्री डिग्री अपनी वैल्यू को देखेंगे कि हाँ पे हमारे जो हमारी जो हमारी है किसकी की so, volume की तो को देखेंगे हम अपने हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर तो so, यहां पे स्टूडेंट हमको वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है तो so, यहां की तो so, फ्लूड का जो वॉल्यूम दे रखा है स्टूडेंट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर जीरो पॉइंट जीरो 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 फोर फोर ठीक है जीरो जीरो वन जीरो फोर फोर दे रखा है मीटर क्यूब पर केजी मीटर क्यूब पर केजी और यहाँ पे वीजी मतलब गैस का जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है स्टूडेंट वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री जीरो मीटर क्यूब पर केजी ये हमको स्टीम टेबल से हमने 100 डिग्री सेल्सियस से पास इसका फ्लू का वॉल्यूम निकाला है और हमने किसका वॉल्यूम निकाला है स्टूडेंट हमने गैस का वॉल्यूमला वॉल्यूम निकाला, निकाला है गैस का वॉल्यूम निकाला है। ठीक है सॉरी 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 क्वेश्चन में हमको कितना दे रखा है टेम्परेचर क्वेश्चन में हमको 150 दे रखा है गलती होगी वन फिफ्टी पे निकालना है सॉरी तो यहाँ पे हमको 150 पे निकालना है ठीक है तो ध्यान से करना है क्वेश्चन को ठीक है 150 पे हमको निकालना है 150 डिग्री सेल्सियस पे तो 150 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे स्टूडेंट हमारी कितनी वैल्यू आएगी 150 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी यहां पर 0.00 पॉइंट .00, 1091 और यहां पे हमारा वीजी की वैल्यू आएगी जीरो ठीक है जीरो ये वैल्यू आएंगी हमारे 150 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है 150 डिग्री सेल्सियस पर हमारी ये वाली वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ जाएंगी अब स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे हम निकालेंगे मास ऑफ वाटर हमारा मास ऑफ वाटर कितना होगा तो निकालेंगे मास ऑफ वाटर मास ऑफ वाटर मतलब मास निकालेंगे किसका वाटर का फ्लूड का तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो वॉल्यूम वॉल्यूम आया था कितना 1.2 उसको हम डिवाइड इसके स्पेसिफिक से VF से तो, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी देखेंगे स्ट्रेंट? तो वन पॉइंट टू को डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी वन जीरो तो नाइन नाइन पॉइंट नाइन के जी कितना आ जाएगा के जी आ जाएगा क्योंकि यहां पे हमारा वॉल्यूम था मीटर की क्यूब ठीक है और यहां पे भी क्या होगा मीटर की क्यूब पर के जी तो के जी ऊपर चला जाएगा मीटर से मीटर तो के जी बचेगा हमारा ठीक है समझ में आ गया कैसे होगा ठीक है यूनिट भी आपको अच्छे से याद आनी चाहिए और यहाँ पे लिखना भी चाहिए आपको यूनिट तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे ठीक है ये तो निकल गया मास ऑफ वाटर अब हम निकालेंगे मास ऑफ स्टीम मास ऑफ स्टीम स्टीम का कितना मास है उसको निकालेंगे तो मास ऑफ स्टीम का निकालेंगे तो गैस का निकालेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे मास ऑफ स्टीम हमारा कितना वॉल्यूम था जीरो पॉइंट एट था और इसको डिवाइड कर देंगे वीजी से तो जीरो पॉइंट थ्री नाइन टू फोर फाइव ठीक है तो इसको डिवाइड करेंगे 0.39245 से तो यहाँ पे देखेंगे हमारा एमजी की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट यहाँ पर तो 0.8 डिवाइड बाय 0.39245 245 इक्वल 2.038 2.038 तो यहाँ पे हमारा जो हमारा जो मतलब गैस का जो वो मास आएगा वो 2.038 आने कल के आएगा केजी तो कहने का मतलब क्या है हमारा जो स्ट्रीम वेपर है मतलब स्टीम है उसके अंदर इतना मास तो फ्लूड का है और इतना मास हमारा गैस का है तो इन पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो क्लोज्ड वैसल है, से हमने क्या है? हाँ पे मास और फ्लूड निकाला अब देखते हैं टोटल मास इन टैंक कितना टोटल मास होगा तो टोटल मास टोटल मास इन टैंक टोटल मास इन द टैंक टोटल मास इन टैंक करेंगे तो क्या करेंगे MF के,

9, 3, kg. तो इतना क्या होगा मास होगा ठीक है इतना इसका क्या होगा मास होगा टैंक के अंदर कितना होगा इतना मास होगा अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्वालिटी ऑफ द स्टीम तो स्टीम की जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी ठीक है क्वालिटी ऑफ स्टीम जो हमारी स्टीम है उसकी क्वालिटी क्या होगी ठीक है तो क्वालिटी का मतलब उसका के कैसी क्वालिटी होगी कितना उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा ठीक है क्वालिटी ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ स्टीम या क्वालिटी ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन क्वालिटी ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन तो यहाँ पे x की वैल्यू को हमको बताना है तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे x की वैल्यू को कैसे करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर अपनी वैल्यू को निकालेंगे कि हमारे उसके अंदर कितना ड्रेनेज फ्रैक्शन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एम जी को डिवाइड कर देंगे किस से टोटल तो मास से ठीक है तो हम क्या करेंगे हमारा जो एम जी आया है उसको हम क्या कर, कर देंगे एम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितना ड्रेनेज फ्रैक्शन है तो हम ड्रेनेज फ्रैक्शन क्यों निकालते हैं क्योंकि स्टीम में कितना हमारा वेपर है कितना लिक्विड है उसको निकालने के लिए तो एम जी हमारा कितना है टू पॉइंट जीरो थ्री एट अपन एम की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट वन वन जीरो नाइन थ्री एट तो यहाँ पे हमारा एक्स जो हमारे ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या निकल के आएगी स्टूडेंट यहाँ पर टू पॉइंट जीरो थ्री एट डिवाइड बाई वन वन जीरो वन 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 जीरो वन पॉइंट नाइन थ्री एट इक्वल हमारा आंसर आएगा यहाँ पर कितना वन पॉइंट एट फोर नाइन फोर सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस के थ्री तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी स्टूडेंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो न एट फोर नाइन ठीक है इतना हमारे क्या आएगी ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी तो ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी क्या आएगी तो इतनी हमारी वैल्यू निकल के आएगी ठीक है तो अभी तो हमने डिस्कस किया केवल कि हमनेज फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन को कैसे हम निकाल सकते हैं ठीक है ठीके? अब हम बात करेंगे रैनकाई साइकिल के बारे में रैनकाई साइकिल के कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं उनके बारे में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे ठीक है तो इम्पोर्टेंट है हमारे रैनकाई साइकिल के क्वेश्चन तो आपको इसको अच्छे से आपको समझना होगा अच्छे से समझोगे एक क्वेश्चन समझ लो केवल अच्छे से सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं सब एक जैसे मेथड पर होंगे ठीक है एक जैसे मेथड पर होंगे पर लेकिन आपको मेथड आपको समझ में आना चाहिए एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझ लेना ठीक है वही क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन करा देगा रनकाइन साइकिल के तो पढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि स्टीम टर्बाइन प्लांट एक स्टीम टर्बाइन प्लांट है जहां पे हम क्या करते हैं एक मतलब स्टीम के द्वारा पावर को प्रोड्यूस करते हैं टर्बाइन के थ्रू ऑपरेट ऑन साइकिल विद स्टीम एंटरिंग एट कितना दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है तीन सौ पचास डिग्री सेल्सियस कितना तीन डिग्री सेल्सियस एंड लीविंग एट जीरो जीरो बार और लीव कर रहा है कितना 0.05 बार पर ठीक है स्टीम लीविंग टर्बाइन कंडेंस और स्टीम लीव कर रहा है टर्बाइन मतलब टर्बाइन से स्टीम हमारी लीव कर रही है जा रही है किसमें कंडेंसर में कंडेंस में टू सैचुरेटेड लिक्विड इन साइड कंडेंसर वहां पे क्या हो रहा है हमारा जो स्टीम है वो सैचुरेटेड हो जाती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो सैचुरेटेड होगी देखो ध्यान देखना है आई पीछे मैंने बढ़ाया था ना सैचुरेटेड क्यों कहते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टीम किस में कन्वर्ट हो गया लिक्विड में कन्वर्ट हो गया इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा वो सैचुरेटेड स्टीम सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो गई इन साइड कंडेंसर Feed pump pump saturated liquid. अब हाँ पे हमारे जो फीड है वो pump कर रहा है है किसको saturated liquid को into boiler में boiler में के लिए determine the per kg of the steam. हमको determine करना है मतलब कितना नेट हमको काम करना पड़ेगा उसको हमको निकालना है ठीक है के जी ऑफ स्टीम एंड साइकिल ऑल द प्रोसेस टू बी आइडियल और यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो साइकिल है वो कैसे आइडियल साइकिल है टीएस डायग्राम भी ड्रॉ करना है और ऑल्सो डिटरमाइन पंप का वर्क भी हमको निकालना है स्टीम कंडेरिंग लीनियर वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ठीक है तो यहां पर क्या है कि ऑफ स्टीम कंडे कंसर्ड कंसिडर हम पे कंसिडर करेंगे लीनियर वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम से कि हमारा जो यहाँ वॉल्यूम से हम क्या करेंगे पर उसको करेंगे ठीक है तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कैसे हम अपना अगर मुझको एंट्रोपी निकालनी होती है या निकालनी होती है इन द टर्म ऑफ द प्रेशर में तो यहाँ पे हम इसको करेंगे इन द स्पेसिफिक वॉल्यूम में कह रहा है किसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम में तो वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे अपनी एंथेल्पी को निकालेंगे तो क्वेश्चन को सबसे पहले करने से पहले इसको देख लो क्या क्या क्वेश्चन में हमको दे रखा है ठीक है क्या-क्या क्वेश्चन क्या में दे रखा है क्या-क्या हमको निकालना है तो गिवन हमको क्या-क्या दे रखा है स्टूडेंट गिवन में हम देख लेते हैं गिवन में हमको कौन-कौन सी वैल्यू दे रखी हैं तो सबसे पहला क्या रहा है क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि स्टीम एंटर कर रहा है 40 बार और 350 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है तो प्रेशर हमको दे रखा है यहां पे p1 अगर मैं बात करूं p1 की वैल्यू की बात करूं तो 350 बार दे रखा है बार और टेम्परेचर दे रखा है स्टूडेंट हमारा कितना 350 डिग्री सेल्सियस 350 डिग्री सेल्सियस हमको क्या दे रखा है टेम्परेचर दे रखा है सॉरी 40 बार और 350 है तो 40 बार और 350 40 बार और 350 P2 की अगर मैं बात करूं तो P2 हमारा कितना दे रखा है स्टूडेंट P2 दे रखा है हमारा कितना 0.05 बार 0.0 0.0 5 बार हमको P2 की वैल्यू दे रखी है ठीक है? तो यहाँ पे हमको बताना है कि हमारा जो वो हमारे कितना ट्रवाइन का वर्क बताना है कितना हो पंप का कितनी होगी वो हमको यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं इसके टीएस डायग्राम के बारे में इसका टीएस डायग्राम कैसे प्लॉट करेगा ठीक है इसके टीएस डायग्राम को हम बनाते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख रहे होंगे तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होगा तो इन दिस कंडीशन हम कह सकते हैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पर अपनी प्रेशर लाइन को बनाता हूँ कि प्रेशर लाइन हमारी कैसी होती है स्टूडेंट इस तरीके से होती है प्रेशर लाइन कैसी होती है इस तरीके से होती है इस तरीके से होती है ना इस तरीके से हमारी प्रेशर लाइन होती है ठीक है इस तरीके से क्या होती है प्रेशर लाइन होती है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इसकी लाइन को कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमने क्या करा यहाँ से पंप से यहाँ हम पे हमने क्या करा इसको हमने पंप से इसको क्या करा पानी दिया किसमें बॉयलर में फिर हमने यहाँ पे हीट को अप्लाई किया और हीट अप्लाई करने से कलर चेंज कर लेते हैं इसको सुनो ठीक है तो हमने क्या करा स्टूडेंट इस इसको हमने क्या करा फीड पंप से हमने इसको क्या दिया पानी दिया वाटर दिया और यहाँ पे फिर हमने क्या करा इसको हीटअप दिया हीटअप देने से इसका वॉल्यूम इसका टेम्परेचर हाई हो गया स्टीम हमारी सुपर हीटेड रीजन में चली गई फिर हमारा ये नीचे आया कंडेंसर में और यहाँ पे इसको इस तरह से वर्क किया ठीक है तो इस तरीके से मैंने साइकिल को आपको प्लोट करके बताया था कैसे हमारी साइकिल फ्लोट होती है तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा हमको हीट मैंने ऐड किया हीट मैंने ऐड किया तो इसको मैंने मान लिया वन इसको मैंने मान लिया टू इसको मान लिया मैंने थ्री और इसको मैंने मान लिया फोर ठीक है तो यहाँ पे टर्बाइन वर्क होगा हो और यहाँ पे मेरा पंप इस तरीके से आ गया अब क्या करेंगे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी जो स्टीम जा रही है इसको लिक्विड हमारी जो स्टीम है वो सुपर हीटेड रीजन में जा रही है और मैंने कल आपको बताया था कि सुपर हीटेड कर करते हैं डायग्राम को यूज़ करते हैं तो इसमें आप मोलियर डायग्राम से अपनी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा प्रेशर दे रखा है 40 बार और टेम्परेचर दे रखा है 350 डिग्री सेल्सियस तो आप क्या करोगे चार्ट डायग्राम को ओपन करोगे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या होगा आपको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे उसको लाइन दी होंगी ये हमारी क्या होती है हमारी टेम्परेचर की लाइन दी होंगी इस साइड में इस साइड में टेम्परेचर की लाइन है और इस साइड में प्रेशर की लाइन है तो यहां पे आप देखो प्रेशर की लाइन 40 बार है मान लीजिए ये हमारी 40 बार है और ये टेम्परेचर की लाइन मान लीजिए हमारी तीन डिग्री सेल्सियस है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पे मैश कर रही होंगी बिल्कुल उसके सामने देखो यहाँ पे एनथेल्पी की वैल्यू दे रखी होगी और बिल्कुल इसके नीचे देखो यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू दे रखी होगी इन वैल्यू को देखकर आप नोट करिए और नोट करके बताइए कितनी वैल्यू

तो यहाँ पे हमारा क्या स्टेट नंबर टू पर हमारा जो प्रेशर है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रेशर की तो यहाँ पे प्रेशर की लाइन हमको दे रखी है कौन कौन सी प्रेशर की लाइन दे रखी है तो पी मैं इसको मान लेता हूँ P1 P1 पी वन पे हमारा कितना प्रेशर है चालीस बार का प्रेशर है ठीक है

एंट्रोपी की वैल्यू और दोनों की वैल्यू आपको यहां पे फाइंड करके लिखनी है दोनों की वैल्यू यहां पे आपको चेक करनी है ठीक है समझ में आ गया अब मैं लिख देता हूं अपनी तरफ से ठीक है मैं मैंने क्योंकि यहां पे अभी आपको मतलब बाय द मोलियर डायग्राम से मैं यहां पे लिख देता हूं कि हमारी स्टीम की वैल्यू क्या-क्या आएगी बाय मोलियर डायग्राम तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट हमारे यहां पे एच वन की इसको मैंने एच टू मार रखा है तो एच टू की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी और यहाँ पे एस टू की वैल्यू कितनी निकल के आएगी ठीक है तो देखेंगे स्टूडेंट हमारी वैल्यू कितनी कितनी निकल के आई है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है थ्री जीरो नाइन टू थ्री जीरो नाइन टू पॉइंट फाइव किलोजूल पर के जी ठीक है और हमारी एंट्रोपी की वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स नाइन सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स नाइन जूल पर के जी किलो जूल पर के जी इनकी यूनिट भी आपको ध्यान से लिखनी है तो ये तो हमारी निकल के आ गई एट वन मतलब चालीस बार पर ठीक है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एट द चालीस बार ठीक है उसको ऊपर लिख देना यहाँ पर मैं लिखना नहीं लिख नहीं पाया लिख देना एट चालीस बार और तीन सौ पचास डिग्री सेल्सियस 350 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है इतना समझ में आ गया अब स्टूडेंट यहां पे हम क्या करेंगे यहां पे तीन वाले स्टेट पर जब आएंगे तो यहां पे स्टीम से अपनी वैल्यू को लिखेंगे स्टीम टेबल। तो यहां पे देखेंगे स्टीम टेबल। बाय स्टीम टेबल स्टीम टेबल से अपनी वैल्यू को चेक करेंगे स्टीम टेबल से अपनी वैल्यू को चेक करेंगे थ्री वाले पॉइंट पर तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट हमारा जो वैल्यू होगा कि हमारी वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू होंगी यहाँ पे हम स्टूडेंट आइडेंटिफाई करेंगे उसको तो हम देखेंगे स्टीम टेबल पर कितना बार दे रखा जीरो पॉइंट जीरो फाइव बार दे रखा है तो प्रेशर की वैल्यू दे रखिये जीरो पॉइंट जीरो फाइव बार तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव बार पर हम देखेंगे अपनी स्टीम टेबल को ओपन करेंगे और जीरो पॉइंट जीरो फाइव बार पर हम अपनी वैल्यू को देखेंगे यहां पर स्टूडेंट यहाँ पर अपनी वैल्यू हमारी जो यूज होंगी तो यहाँ पे एच एफ की वैल्यू दे रखी है एच एफ जी की वैल्यू दे रखी है एच जी की हमको लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिक्विड में आ गया गैस में नहीं है वो ठीक है तो फ्लूड का मतलब फ्लूड है मतलब एफ का मतलब फ्लूड रीजन में और एफ जी का मतलब दोनों का मिक्सर है और ये किसकी वैल्यू ये हमारी एच जी की वैल्यू है और ये एस जी की वैल्यू है ठीक है आप अगर स्टीम टेबल से देखना चाहते हो तो स्टीम टेबल से भी आप देख सकते हो कुछ वेरिएशन आता है लेकिन एंड में जो हमारी फिशियंसी निकल के आती है वो थोड़ा सेम ही आती है ठीक है तो ये एच जी मतलब गैस एस जी गैस एंट्रोपी एट द गैस एंथेल एट द गैस यहाँ पे एंथेल्पी ऑफ द फ्लू क्योंकि हमारा जो फ्लूड में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर फ्लूड में कन्वर्ट में? में हो जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे, student, H, H, की देखेंगे, बार पर तो लिखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट एच एफ जी की वैल्यू तेईस जीरो किलो जूल पर के जी कैलविन जूल पर के जी कैलविन ठीक है 0.4 0.4 और यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट एसएफ की वैल्यू भी यहीं देख लेंगे एसएफ की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट यहाँ पर हमको 1.091 1.091 और इसकी वैल्यू होती है किलो जूल पर केजी केल्विन और एसजी की वैल्यू देख लेंगे यहीं पर सॉरी एसएफजी की वैल्यू देखेंगे एस एफ जी की वैल्यू देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर एस एफ जी की वैल्यू हमारी क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पर सिक्स पॉइंट फाइव जीरो फोर किलो जूल पर के जी कैलविन किलो जूल पर के जी कैलविन ठीक है और इसी टर्म में ठीक है इसी टर्म में हम अपने वी एफ की और वैल्यू देख लेते हैं वी एफ हमारा क्या होगा यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो थ्री जीरो इसकी आगे हमको जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं यहीं पर लिख रहा हूँ इसको मीटर क्यूब पर के जी ये सारी वैल्यू हमने स्टीम टेबल से देख के लिखी है ये मोलियर डायग्राम से लिखी है मैंने स्टीम टेबल से निकाल के रखी है ठीक है स्टूडेंट ठीक है इतना समझ में आ गया कैसे हमने वैल्यू को फाइंड आउट करा और कैसे हमने वैल्यू को यहाँ पर अपना पुटअप करा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें ठीक है अब अब आगे बढ़ते हैं देखो क्या निकालना होगा अब यहां पे स्टूडेंट आप देख रहे होंगे अगर मैं इस वाली लाइन पर देखूं तो इस वाली लाइन पर यहां सीधे नीचे आएगी ये तो यहां पे क्या हो रहा है हमारा जो एंट्रोपी होगा तो S2 बराबर क्या होगा S3 होगा बाय द आइडियल साइकिल के अकॉर्डिंग बाय द आइडियल साइकिल के अकॉर्डिंग हमारा जो एंट्रोपी होगा टू पर दैट विल बी इक्वल टू द एस तो एस बराबर क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर हमारा एस के बराबर होगा ठीक है एस बराबर क्या होगा स्टूडेंट हमारा एस के बराबर होगा और हम यहाँ पे लिख सकते हैं आगे कर, आगे कर देखेंगे इसको स्टूडेंट यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं कि एस बराबर नंबर क्या है हमारा S2 के बराबर है तो इस इन दिस कंडीशन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमारे जो एंट्रोप एंट्रोपी होगी किस पे तीसरे वाले रीजन पे किस पे सॉरी टू और थ्री मतलब टू और थ्री तो तीसरे वाले रीजन पे हम एंट्रोपी की वैल्यू को देखेंगे तो एंट्रो यहाँ पे मतलब ड्रेनेस फ्रैक्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है ये कि एस टू बराबर क्या है स्टूडेंट हमारा एस थ्री है तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट एस थ्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा एस एफ प्लस के एक्स थ्री एस एफ जी क्या हो जाएगा एस एफ जी ठीक है एस टू बराबर एस थ्री है इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी वैल्यू निकल के आई हमारी स्टूडेंट सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स नाइन सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स नाइन इक्वल एस एफ की वैल्यू देखेंगे एस एफ की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है वन एस एफ की वैल्यू निकल के है वन पॉइंट जीरो एस एफ की वैल्यू निकल के आई है हमारी जीरो पॉइंट जीरो फाइव पर वैल्यू भी बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको एक मिनट में लिख लेता हूं इनको वैल्यू को तो हमारी एस की वैल्यू वन पॉइंट जीरो नाइन वन तो यहाँ पे देखेंगे वन पॉइंट जीरो नाइन वन प्लस एक्स थ्री और हमारा एस की वैल्यू है एस की वैल्यू है हमारी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो फोर तो सिक्स पॉइंट फाइव जीरो फोर सिक्स पॉइंट फाइव जीरो फोर यहाँ पे कैलकुलेट करके एक्स थ्री की वैल्यू को निकालेंगे स्टूडेंट एक्स थ्री की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी उसको यहाँ पे देखेंगे एक्स थ्री की वैल्यू कितनी निकल के आएगी तो देखेंगे सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स नाइन सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स नाइन माइनस के वन पॉइंट जीरो नाइन वन ठीक है इक्वल डिवाइड करेंगे सिक्स पॉइंट फाइव जीरो फोर तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है जीरो पॉइंट सेवन सिक्स जीरो पॉइंट सेवन सिक्स हमारी किसकी एक्स थ्री की वैल्यू निकल गई इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे स्टूडेंट एच थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो एच थ्री बराबर हो जाएगा एच एफ प्लस के एक्स थ्री एच एफ जी ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट एच एफ की वैल्यू हमारी क्या है कि एच एफ की वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पर तीन सौ चालीस पॉइंट सिक्स थ्री फोर जीरो सिक्स प्लस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स और एच एफ जी की वैल्यू हमारी निकल के आई है तेईस जीरो पांच पॉइंट फोर तेईस जीरो चार पॉइंट फोर यही ना तेईस जीरो चार पॉइंट फोर ठीक है तो यहाँ पे एच थ्री की वैल्यू देखेंगे एच थ्री की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पर स्टूडेंट तो मल्टीप्लाई करेंगे टू थ्री जीरो फोर पॉइंट फाइव इक्वल और प्लस कर देंगे थ्री फोर जीरो पॉइंट सिक्स इक्वल तो यहाँ पे एच थ्री की वैल्यू है टू वन जीरो फोर पॉइंट जीरो वन ठीक है ये हमारी एच थ्री की वैल्यू निकल के आई है किलो जूल पर के जी जूल पर के जी ठीक है यहाँ पे एच थ्री की वैल्यू निकल के आई हमारी कितनी टू वन जीरो फोर पॉइंट फोर वन किलोजूल पर के जी निकल गया है अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट पंपिंग का वर्क देखेंगे यहाँ पर कि हमारा पंप का वर्क क्या होगा तो यहाँ पे हमारा देखो इस तरीके से यहाँ पे टर्बाइन का वर्क देखेंगे कि टरबाइन का वर्क क्या होगा टरबाइन वर्क तो टरबाइन वर्क देखेंगे यहां पर स्टूडेंट देखो यहां पे टर्बाइन वर्क क्या है दो से तीन है तो हमने बताया था कि जो हमारा टरबाइन का वर्क होगा वो हाई एंथेल्पी कितना है हमारा H2 है और फिर हमारा क्या होगा H3

टू वन जीरो टू वन जीरो पे इसको टर्बाइन का वर्क देखेंगे टर्बाइन का वर्क कितना निकल के आएगा यहाँ पे टर्बाइन का वर्क निकल के आएगा यहाँ पर थ्री जीरो जीरो नाइन एट एट पॉइंट जीरो नाइन हमारे यहाँ पे निकल गया है का वर्क ठीक है तो इसको किल किलो जूल पर के जी जूल पर के जी ठीक है किलो जूल पर के जी निकल के यहां पे आर मारा आ गया अब बात करेंगे स्टूडेंट पंप के बारे में किसके बारे में पंप के बारे में फोर पंप फोर पंप प्रोसेस तो पंप प्रोसेस हम जानते हैं स्टूडेंट कि हमारा क्या होता है हमारा जो पंप का प्रोसेस होगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा पंप का तो हमारा क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे पंप चार से एक जा रहा है तो एच वन माइनस के एच फोर हो जाएगा कितना हो जाएगा एच वन माइनस के एच फोर तो एच वन माइनस और पंप का वर्क मैंने इन द टर्म ऑफ द प्रेशर मैंने आपको बताया था तो हमारा हो जाएगा वी पी वन माइनस के पी टू एक फॉर्मूला मैंने आपको पुट अप कराया था इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं अपने पंप का वर्क निकाल सकते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या कि हमारा जो पंप का वर्क है डैट विल बी इक्वस टू वी फोर और पी वन माइनस के पी टू पी माइनस के पी तो V4 की वैल्यू देखेंगे मतलब VF की वैल्यू देखेंगे और VF की वैल्यू मैंने लिखी थी यहाँ पर 0.001030 तो जीरो जीरो ठीक है जीरो जीरो वन जीरो थ्री जीरो और पी वन हमारा प्रेशर जो दे रखा है स्टूडेंट वो कितना दे रखा है चालीस दे रखा है ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे चालीस और जीरो पॉइंट जीरो फाइव चालीस चालीस जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो यहाँ पे देखेंगे डब्लू पी जो हमारा निकल के आएगा टर्बाइन का वर्ग वो कितना निकल के आएगा स्टूडेंट यहाँ पर टर्बाइन का वर्क देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है यहाँ पे हमारा जो प्रेशर दे रखा है बार में दे रखा है लेकिन यहाँ पे हम यूनिट लिखेंगे क्लोजूल पर के में तो बार को अगर मैं किसमें क्लोजूल में कन्वर्ट क्लो करूंगा तो यहाँ पे टेन की पावर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे टेन की पावर टू से क्या करेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं टेन की पावर फाइव पासकल होता है और ये हमारा कितना हो जाएगा किलो जूल में टेन की पावर थ्री तो तीन से तीन के हमारा टेन की पावर टू निकल के आएगा तो मैंने यहाँ पे क्या करा टेन की पावर टू को मैंने रख दिया तो चालीस माइनस के पॉइंट जीरो फाइव इक्वल मल्टीप्लाई पॉइंट जीरो कर देंगे हर सो से तो हो जाएगा किलो जूल पर के जी जूल पर के जी में निकल के आया हमारा क्या पंप का वर्क तो यहां पे पंप का वर्क जो निकल के आया स्टूडेंट हमारा कितना किलो जूल पर के जी में निकल के आया है किलो जूल पर के जी में निकल कर आया है ठीक है स्टूडेंट अब यहाँ पे बात करेंगे हमारा ये तो निकल गया पंप का वर्क अब लेकिन हम बात करेंगे एच फोर की वैल्यू को मुझको और निकालना है कितने की एच वन तो एच वन की वैल्यू को भी निकालना है मुझको एच वन की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं एच वन की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं ठीक है उसको भी निकालना है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट ध्यान देना उसको निकालने के लिए क्या करेंगे क्योंकि हमको हीट सप्लाई में उसकी वैल्यू को पता होना चाहिए कि हीट सप्लाई में उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमको देखना पड़ेगा तो मैं यहीं पर देख लेता हूं स्टूडेंट साइड में तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि हमारा जो पंप वर्क है वो क्या है h1 के h4 है h1 के h4 है अब जो h4 की वैल्यू है यहाँ पे देखेंगे ध्यान से h4 की वैल्यू मैंने निकाली नहीं है तो h4 की वैल्यू जो होगी यहाँ पर मतलब तीन पर मतलब कहने प्रेशर 0.05 बार पर हम किसकी वैल्यू लेंगे hf की वैल्यू लेंगे तो हमने निकाली थी कि हमारी एच की वैल्यू कितनी तीन कितने बार पर जीरो पॉइंट जीरो बार पर ठीक है जीरो पॉइंट जीरो बार पर तो यहां पे लिख लेना एट बार तो ये वाली वैल्यू है बार पर क्योंकि यहां पे हमारा क्या होगा कि तीन पर और चार पर यहाँ पे एनथेल्पी मतलब यहाँ पे तीन पर जो हमारी एंथेल्पी होगी एट प्रेशर मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा एच एफ की वैल्यू देखी तो यहाँ पे एच एफ होगा तो फोर पे हमारी कितनी वैल्यू तीन सौ पॉइंट सिक्स तो यहाँ पे हम वैल्यू को लिख सकते हैं तो यहाँ पे हमारी फोर की वैल्यू हो जाएगी तीन सौ चालीस तो डब्ल्यू पी की वैल्यू है कितनी कितनी है कितनी है 340 .6. 340 .6. और यहाँ पे एच वन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी यहाँ पर देखेंगे कि फोर पॉइंट वन वन फोर एट फाइव प्लस के थ्री फोर तो वैल्यू आएगी वर्क निकल गया मेरा इतना और मेरा टर्बाइन का वर्क निकल गया इतना तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा वर्क डन निकाल सकता हूं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट वर्क डन निकाल सकते हैं कि हमारा नेट वर्क कितना होगा तो बात करते हैं किसकी नेट वर्क की कि नेट वर्क हमारा क्या होगा स्टूडेंट तो डब्लू नेट हमारा क्या होगा डेट इज द टर्बाइन वर्क माइनस के पंप वर्क तो टर्बाइन वर्क हमारा कितना निकल के आया देखेंगे टर्बाइन वर्क हमारा निकल के आया है 19 988.09 uh, 988 988.09 988 के 4.11 ठीक है पंप का वर्क जो निकल के आया कितना है 4.11 485 485 फोर एट फाइव तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे और w जो हमारे निकल के आया है वो कितना निकल का है? यहाँ पे देखेंगे वैल्यून एट थ्री नाइन एट थ्री पॉइंट नाइन सेवन फाइव पॉइंट नाइन सेवन फाइव किलो जूल पर के किलो जूल पर के हमारी डब्ल्यू नेट निकल गया है ठीक है स्टूडेंट अब बात करेंगे किसकी हीट सप्लाइड क्योंकि हमने हीट सप्लाइड कितना किया तो हीट सप्लाइड इन द द द बॉयलर 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 इन इन में हीट सप्लाई निकालेंगे तो हीट सप्लाइड हमने कितना दिया स्टूडेंट देखेंगे कि हीट सप्लाइड हमने कितना दिया तो यहां देखेंगे हीट वाले रीजन में कर रहे हैं तो एमथेलपी एच टू हमारी ज्यादा होगी और ये हमारी कम होगी तो एच टू माइनस एच वन हो जाएगा क्या हो जाएगा एच टू माइनस एच वन तो एच टू माइनस एच वन एच टू माइनस के एच वन तो हमको पता है एच टू की वैल्यू कितनी थी एच टू की वैल्यू हमारी कितनी थी स्ट्रेंथ एच टू की वैल्यू हमारी कितनी थी थ्री जीरो नाइन टू पॉइंट फाइव थ्री जीरो नाइन टू पॉइंट फाइव थ्री जीरो नाइन टू थ्री जीरो नाइन टू पॉइंट फाइव माइनस के एच वन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी थ्री फोर फोर पॉइंट सेवन टू थ्री फोर फोर पॉइंट सेवन टू थ्री फोर फोर पॉइंट सेवन टू और यहाँ पे हम अपने हीट इनपुट जो निकालेंगे वो हमारी क्या निकल के आएगा स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे अपनी हीट इनपुट को कि थ्री जीरो नाइन टू पॉइंट फाइव माइनस थ्री फोर फोर पॉइंट सेवन टू तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट यहाँ पर टू सेवन फोर सेवन पॉइंट सेवन एट किलो जूल पर के जी किलो जूल पर केजी हमारी वैल्यू निकल के हीट इनपुट की तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी इफिशियंसी इफिशियंसी ऑफ द टर्बाइन कि टर्बाइन की हमारी इफिशियंसी क्या होगी साइकिल की इफिशियंसी क्या होगी यहाँ पे क्या होगा हमारा डब्ल्यू नेट होगा और नीचे हमारा क्या होगा हीट इनपुट होगा तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू निकल के आई कितनी नाइन ठीक है नाइन अपॉन और इसकी वैल्यू निकल के आई हमारी ट्वेंटी पॉइंट सेवन एट तो इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी नाइन एट थ्री पॉइंट नाइन सेवन फाइव डिवाइड बाई आंसर दैट इज़ द वैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट थ्री फाइव तो जीरो पॉइंट थ्री फाइव एट जीरो एट जीरो इफिशेंसी so जो होती है मल्टीप्लाई में कर देते हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी फाइव पॉइंट एट जीरोज में निकल के आ जाएगी तो इफिशियं हमारी कितनी निकल गई स्टूडेंट थर्टी फाइव पॉइंट एट परसेंटेज में हमारी वैल्यू निकल के आएगी तो इस तरीके से क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमको क्या निकालना था साइकिल की इफिशियंसी निकालनी थी पंप का वर्क निकालना था ठीक है पंप का वर्क निकालना था और इसकी इफिशेंसी निकालनी थी इस तरीके से क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ठीक है स्टूडेंट समझ में आया क्वेश्चन कैसा था बहुत ईजी क्वेश्चन है कोई भी इसमें हमारा डिफरेंट नहीं है सेम ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन है उसको ट्राई करेंगे अब दूसरा क्वेश्चन है इसको ट्राई करेंगे सेम टू सेम इसी के जैसा है

एंटर कर करिए टर्बाइन में तो यहाँ पे पी वन का वैल्यू दे रखा है 70 बार कितना दे रखा है स्टूडेंट 70 बार दे रखा है एंड 55 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है कितना 550 डिग्री सेल्सियस ठीक है विद द वेलोसिटी ऑफ़ इतना तो यहाँ पे वी, वी वन की वेलोसिटी दे रखा है

फाइंड द थर्मल इफिशियंसी एंड नेट पावर प्रोड्यूस तो हमको थर्मल इफिशियंसी बतानी है और हमको पावर बताना है कितना पावर ये प्रोड्यूस करेगा तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है इफिशियं निकालनी है तो इफिशियंसी सेम टू सेम ऐसे निकलेगी जैसे भी मैंने आपको निकलवाई थी ठीक है मतलब पूरा मेथड वही होगा और दूसरे इसमें पावर में क्या करेंगे बस जो हमारी हमारा जो डन आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे मास से तो हमारा क्या निकल जाएगा वर्क हमारा सॉरी पावर हमको निकल के आ जाएगी तो स्ट्रेंड चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन के बारे में ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि हमारे मतलब टेबल से कौन कौन सी वैल्यू को हमको दिया हुआ है उनको देखेंगे ठीक है स्ट्रेंड तो देखेंगे बाय मोलियर डायग्राम से मोलियर सबसे पहले हम बाय तो पहले मैं इसका डायग्राम प्लॉट कर देता हूँ आपको कैसा डायग्राम इसका प्लॉट होगा तो सेम वैसे ही डायग्राम हो उसका कोई इसमें डिफरेंस नहीं है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कैसा प्लॉट होगा तो इसमें हमारा प्रेशर लाइन होगी इस तरीके से ये प्रेशर लाइन होगी इसको मैं पी वन मान लिया और इसको मैंने पी टू मान लिया ठीक है इसको पी वन और पी टू मान लिया ठीक है तो यहाँ पे ये यह हो इस तरीके से हमारी साइकिल बनेगी यहाँ पे हीट इनपुट करेंगे इस तरीके से हमारा साइकिल वर्क करेगा इसको मैंने मान लिया स्टूडेंट अब की बार चलो इसको चेंज कर लेते हैं इस अब की बार इसको हम चेंज कर लेते हैं इसको एच वन मान लेते हैं ठीक है इसको मान लो एच वन इसको वन मान लो इसको टू मान लो इसको थ्री मान लो इसको फोर मान लो तुम्हारी मर्जी है कुछ भी मान लो ये कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं कुछ भी मान सकते हो आप इसको वन मान लो इसको टू मान लो इसको थ्री मान लो तो पर लेकिन साइकिल जो प्रोसेस होते हैं वो यहीं से स्टार्ट होता है वन से से फिर इस तरीके से ठीक है तो वन टू थ्री फोर मैंने इसको मान लिया है ये मेरा क्या है क्या है टीएस डायग्राम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन दिस इज द सैचुरेटेड वेपर लाइन सब कूलिंग सुपर हीटेड कूलिंग ठीक है कंडेंसर लिख दो यहाँ हीट इनपुट लिख दो यहाँ टर्बाइन वर्क लिख दो यहाँ हमारा पंपिंग वर्क लिख दो आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हो अपना छह नंबर लेके आने हैं तो ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो फर्स्ट स्टेज में हमारा यहाँ पे जो क्या जा रहा है? जो में है तो मोलियर डायग्राम से अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आई है तो एच वन की वैल्यू क्या आएगी और एस वन की वैल्यू क्या आएगी देखेंगे स्टूडेंट तो हमारी आई है पैंतीस तीस क्लोजुल के जी पैंतीस तीस किलोजूल पर के जी और हमारी एस वन की वैल्यू आई है सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स पॉइंट नाइन किलोजूल पर के जी हमारी किसकी एच वन और एस वन तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज द एच जी वैल्यू और दिस इज द एच एस एफ एस एस जी वैल्यू एट एट कितने पर हमने देखा था इसको वैल्यू कितने पर देखा था स्टूडेंट कितने पर देखा सत्तर और पाँच सौ पचास डिग्री सेल्सियस ठीक है सत्तर और पांच सौ पचास डिग्री सेल्सियस पर तो सत्तर एट सत्तर बार और 550 डिग्री सेल्सियस पर हमने किससे मोल ले डायग्राम से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है h1 और s1 की वैल्यू को ठीक है अब करेंगे बाय स्टीम टेबल स्टीम टेबल से अपनी वैल्यू को देखेंगे स्टीम टेबल से अपनी वैल्यू को देखेंगे और स्टीम टेबल से वैल्यू को देखेंगे एट कितना प्रेशर है हमारा प्रेशर कितना दे रखा है स्टूडेंट 0.02 बार 0.20 तो 0.20 तो 0.20 बार पर देखेंगे और अपनी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखेंगे तो हम अपनी वैल्यू को देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे हमारा देखेंगे एच एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है एच एफ की वैल्यू देखेंगे एच एफ जी की वैल्यू देखेंगे आप अपनी स्टीम टेबल को ओपन करो और स्टीम टेबल को ओपन करके वहां से अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करो कि सही है या नहीं है ठीक है तो एच एफ की वैल्यू देखेंगे एच एफ एच एफ जी की वैल्यू देखेंगे एस एफ की देखेंगे एस एफ जी की देखेंगे और यहाँ पे वी एफ की भी साथ के साथ देख लेना बाद में इसकी जरूरत हमको पड़ेगी ठीक है तो वैल्यू हमारे एच एफ की टू फिफ टू फाइव वन पॉइंट फाइव टू फाइव वन पॉइंट फाइव कितना किलोजूल पर के जी किलोजूल पर के जी ठीक है और हमारी एच एफ जी की वैल्यू है टू थ्री फाइव एट टू थ्री फाइव एट पॉइंट फोर किलोजूल पर के जी ठीक है इस स्टीम टेबल से वैल्यू लिख रहा हूं मैं आपको ठीक है जीरो पॉइंट एट थ्री जीरो जीरो टू पर के जी कैलविन ठीक है ये सारी वैल्यू स्टीम टेबल से देखकर लिख रहे हैं ठीक है एस सब्जी की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे सेवन पॉइंट जीरो सेवन 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 पॉइंट जीरो सेवन सेवन पर के जी ठीक है और यहाँ पे हम वी एफ की वैल्यू देखेंगे तो वी एफ की वैल्यू हमारी जीरो जीरो वन जीरो वन सेवन तो जीरो जीरो वन जीरो वन सेवन मीटर क्यूब पर के जी तो मीटर तो क्यूब क्या करा ठीक है मौल्य डायग्राम और स्टीम टेबल से अपनी वैल्यू को क्या करा है? यहाँ पे फाइंड आउट करा ठीक है स्टीम टेबल और मोल्य डायग्राम से अपनी वैल्यू को क्या करा स्टूडेंट यहाँ पर अपना फाइंड आउट करा तो ठीक है ये सारा प्रोसेस हो गया अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं किसकी अपने क्वेश्चन की क्वेश्चन की में हमारा क्या दिया हुआ है एस वन बराबर बाय द रूल ठीक है आइडियल कंडीशन के अकॉर्डिंग कि हमारा क्या होगा एस वन बराबर क्या होगा एस टू होगा ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे कि हमको क्या निकालना है हमको एस टू की वैल्यू मतलब एस टू बराबर हमारा क्या होगा एस एफ प्लस के एक्स टू एस एफ जी ठीक है तो यहाँ पे वैल्यू को देखेंगे बराबर है तो एस वन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो एस वन की वैल्यू हमारी क्या आएगी तो ठीक है तो एस वन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी स्टूडेंट सिक्स पॉइंट नाइन तो सिक्स पॉइंट नाइन इक्वल टू एस एफ की वैल्यू आएगी जीरो तो की वैल्यू आपको निकालनी है और एस एफ जी की वैल्यू हमारी पॉइंट जीरो सेवन सेवन तो सेवन पॉइंट जीरो सेवन सेवन हमारी सब्जी की वैल्यू है तो यहाँ से क्या करेंगे एक्स टू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो एक्स टू की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आएगी स्टूडेंट सिक्स पॉइंट नाइन माइनस के पॉइंट एट थ्री टू इक्वल डिवाइड बाई सेवन पॉइंट जीरो सेवन सेवन तो डेट इज द वैल्यू जीरो पॉइंट एट फाइव जीरो पॉइंट एट फाइव जीरो पॉइंट एट फाइव सेवन एक्स टू की वैल्यू निकल के आई कितनी यहीं से हम क्या निकालेंगे टू की वैल्यू निकालेंगे तो एच टू बराबर को फाइंड आउट करेंगे तो एच एफ की वैल्यू हमने देखी थी अभी किस पे जीरो पॉइंट टू बार पर जीरो पॉइंट टू बार पर हमने अपनी वैल्यू को देखा था जीरो पॉइंट टू बार ये ना 0.2 बार ठीक है तो 0.2 बार अपनी वैल्यू को देखा था तो यहाँ पे 251.5 टू फाइव वन पॉइंट फाइव प्लस के एक्च टू की वैल्यू है जीरो पॉइंट एट फाइव सेवन और हमारी एच एफ जी की वैल्यू निकल के आई थी टू थ्री फाइव एट पॉइंट फोर टू थ्री फाइव एट पॉइंट फोर तो यहाँ से देखेंगे एच टू की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी स्टूडेंट एच टू की वैल्यू देखेंगे स्टूडेंट कितनी निकल के आएगी तो हम देखेंगे टू थ्री फाइव एट पॉइंट फोर मल्टीप्लाई पॉइंट एट फाइव सेवन इक्वल प्लस टू फाइव वन पॉइंट फाइव तो टू टू सेवन टू 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 सेवन सिक्स फोर एट ठीक है तो हमारा क्लोजूल पर केजी एच टू की वैल्यू हमारे यहाँ पे निकल के आई है ठीक है समझ में आ गया अब बात करेंगे किसकी कंसिडरिंग पंप वर्क की तो हमारा पंप वर्क यहाँ पे निकालेंगे स्टूडेंट पंप वर्क को देखेंगे कैसे पंप वर्क निकालेंगे तो इसके साथ साथ मैं क्या एच वन की वैल्यू मुझको पता, मुझ पता है तो सीधा -सीधा टर्वाइन वर्क निकाल लू पहले, तो तर... चलो पहले का ही वर्क हमारा क्या होगा वो देखते हैं तो टर्वाइन वर्क हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट एच वन माइनस के एच टू हो जाएगा ठीक है एच वन माइनस के

वन टू फाइव सेवन पॉइंट थ्री फाइव किलो जूल पर के जी किलो जूल पर के जी हमारी टर्बाइन का वर्क निकलकर आ गया ठीक है स्टूडेंट इस तरीके से हमारा क्या है? का वर्क निकल के आ गया अब बात करेंगे किसके बारे में पंप के बारे में कि हमारा पंप का वर्क क्या होगा नाउ कंसीडरिंग नाउ कंसिडरिंग पंप वर्क नाउ कंसिडरिंग पंप वर्क तो पंप वर्क को देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे पंप वर्क हमारा क्या होगा स्टूडेंट पंप वर्क क्या होगा यहाँ पे वन टू थ्री फोर तो एच फोर माइनस के एच थ्री होगा एच फोर माइनस के एच थ्री होगा तो एच फोर माइनस के एच थ्री और इन द टर्म ऑफ द एच थ्री पी वन माइनस के पी टू पी वन माइनस के पी टू तो यहाँ पे पंप वर्क को देखेंगे स्टूडेंट पंप वर्क हमारा क्या होगा तो वी थ्री की वैल्यू देखेंगे वी थ्री की वैल्यू हमारी कितनी थी थ्री की वैल्यू है मतलब की वैल्यू है और पी वन हमको प्रेशर दे रखा है सत्तर और ये दे रखा है जीरो पॉइंट टू कितना दे रखा है ना स्ट्रेंड हम्म hmm. तो यहाँ पे देखेंगे और यहाँ दे तो सेवन यह है? है? तो सत्तर माइनस के पॉइंट टू, टू इक्वल मल्टीप्लाई पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो वन, वन सेवन सत्तर के इक्वल मल्टीप्लाई हंड्रेड ठीक है सेवन पॉइंट तो पंप का वर्क हमारा कितना निकल के आया सेवन पॉइंट जीरो नाइन एट सिक्स सिक्स किलो जूल पर केजी ये समझ में आया ना टेन की पावर टू से मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि हमारा प्रेशर बार में है हमको इसको किलो जूल में कन्वर्ट किया तो टेन की पावर टू आ गया ओके स्टूडेंट समझ में आ गया ठीक है किलो पास्कल में कन्वर्ट हो गया अब ये ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे इसको इतना निकल के आ गया तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा तो टर्माइन का वर्क इतना निकल के आया और हमको कितना दे रहे हैं उसको सेवन पॉइंट जीरो नेगलिजिबल वर्क दे रहे हैं इसको ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे हमको तो निकल के पंप का वर्क निकल के आ गया लेकिन हमको एच फोर की वैल्यू को भी निकालना है तो एच फोर की वैल्यू को कैसे निकालेंगे देखेंगे कि हमारा जो पंप वर्क निकल के आया है स्टूडेंट दैट इज द एच फोर माइनस के एच थ्री एच फोर माइनस के एच थ्री ठीक है और पंप का वर्क हमारा कितना निकल के आया स्टूडेंट यहाँ पर पंप का वर्क निकल गया सेवन पॉइंट जीरो नाइन एट सेवन पॉइंट जीरो जीरो नाइन एट ठीक है तो निकालनी है और एच थ्री मैंने अभी आपको बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में एच थ्री की वैल्यू कैसे देखेंगे कि टू पर जो हमारा एस थ्री होगा वो इक्वल होगा मतलब एच एफ की वैल्यू यहाँ पर जो हमने देखी थी इसके लिए तो एच एफ की वैल्यू हमारी क्या थी टू फाइव वन पॉइंट फाइव तो ये वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे एच फोर की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट देखेंगे एच फोर की वैल्यू हमारी क्या आएगी प्लस कर देंगे टू फाइव वन पॉइंट फाइव को तो आएगा टू फाइव एट टू फाइव एट किलो जूल पर के जी जूल पर के जी ठीक है हमारे यहां पे वैल्यू निकल गई किसकी H4 की तो h4 की वैल्यू निकल के आ गई है अब यहां पे नेटवर्क हम निकाल लेते हैं साथ में कि हमारा नेटवर्क क्या होगा

तो W नेट की वैल्यू हमारी निकल के आएगी स्टूडेंट यहाँ पर तो थ्री फाइव थ्री जीरो माइनस सेवन पॉइंट जीरो नाइन एट तो वैल्यू आएगी थ्री फाइव टू टू पॉइंट नाइन जीरो टू ठीक है तो W नेट निकल का है किलो जूल पर के जी किलो जूल पर के जी में निकल का है ठीक है स्टूडेंट समझ में आ गया अब बात करेंगे किसकी इफिशियंसी की तो इफिशियंसी निकालने के लिए हमको हीट इनपुट चाहिए और हीट इनपुट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हीट इनपुट निकालेंगे तो हीट इनपुट निकालेंगे तो हीट इनपुट टू बॉयलर तो हीट इनपुट टू बॉयलर देखेंगे तो हीट इनपुट करते हैं हम तो वहां पे कौन सा हमारा वर्क आएगा तो हमारा कौन सा वर्क आएगा यहाँ पे हीट इनपुट एच वन माइनस के एच फोर एच वन माइनस के एच फोर तो एच वन माइनस के एच फोर तो एच वन तो की वैल्यू हमारी क्या होगी एच वन की वैल्यू हमारी क्या होगी स्टूडेंट एच की वैल्यू होगी हमारी पैंतीस तीस पैंतीस तीस पैंतीस तीस माइनस एच फोर की वैल्यू है पच्चीस टू फाइव एट टू फाइव एट पॉइंट फाइव नाइन फाइव नाइन तो यहाँ पे हीट इनपुट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कि कि कितनी निकल के आएगी देखेंगे यहाँ पर तो पैंतीस तीस माइनस टू फाइव एट पॉइंट फाइव नाइन थ्री टू सेवन थ्री टू सेवन वन पॉइंट फोर वन किलो जूल पर के जी किलो जूल पर के जी निकल के आई अब यहां पे हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं साइकिल की या टर्बाइन की तो टर्बाइन की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी डब्ल्यू नेट अपॉन हीट इनपुट डब्ल्यू नेट अपॉन हीट इनपुट तो डब्लू नेट हमारा कितना निकल गया है पैंतीस टू टू पॉइंट नाइन जीरो टू अपॉन हीट इनपुट कितना निकल गया है थ्री टू सेवन वन पॉइंट फोर वन तो हम क्या करेंगे तैतीस टू टू पॉइंट नाइन जीरो टू को डिवाइड कर देंगे थ्री टू सेवन वन पॉइंट फोर वन तो वैल्यू आएगी वन पॉइंट जीरो तो हमारे यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट यहां कुछ गलत हो गया क्या डब्ल्यू नेट सॉरी डब्ल्यू टी की वैल्यू बारह सो सत्तावन गलत हो गया तो डब्ल्यू टी की वैल्यू हमारे बारह सो सत्तावन पॉइंट पैंतीस बारह सत्तावन पॉइंट पैंतीस तो यहाँ पे कुछ गलती हो गई एक गलत हो जाए सारे गलत हो जाएगा फिर बारह सौ सत्तावन पॉइंट ठीक है तो इसकी वैल्यू हमारी पॉइंट थ्री फाइव सेवन पॉइंट जीरो यहाँ पे आएगा बारह सौ पचास बारह सौ पचास पॉइंट टू फाइव ठीक है और यहाँ पे हमारा देखेंगे डब्ल्यू नेट तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे बस तो यहाँ पे डब्ल्यू नेट की वैल्यू आएगी बारह 1250.25 तो इसको डिवाइड करेंगे 327, तो वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट थ्री एट तो वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट थ्री एट टू टू ठीक है तो हम इसको मान सकते हैं थर्टी एट परसेंटेज तो हमारी एफिशिएंसी जो निकल के आएगी साइकिल की वो थर्टी एट परसेंटेज निकल गई कितनी निकल गई थर्टी एट परसेंटेज निकल गई ठीक है स्टूडेंट अब यहां पे लास्ट पॉइंट हमको बचता है किसका कि हमारा पावर प्रोड्यूस कितना हुआ है कितना पावर प्रोड्यूस तो देखेंगे पावर प्रोड्यूस के बारे में कि हमारा पावर प्रोड्यूस कितना हुआ है पावर प्रोड्यूस के बारे में देखेंगे यहीं पर कर देता हूं मैं तो पावर प्रोड्यूस तो पावर प्रोड्यूस देखेंगे पी बराबर क्या होगा तो P बराबर हमारा क्या हो गया स्टूडेंट यहां पर आया है ठीक है ठीक फ्लोरेट इंटू फ्लो रेट फ्लो रेट मल्टीप्लाई W नेट तो मास फ्लो रेट हमारा कितना था 35 था स्टूडेंट तो 35 multiply, तो यहाँ पे हो जाएगा बारह सौ पचास तो 1250.25 तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी देखेंगे कितनी निकल के आएगी स्टूडेंट तो हमारी वैल्यू आएगी 35 फाइव मल्टीप्लाई बारह इक्वल तो 4375 4375.875 ठीक है तो ये निकल का है हमारा किस में ये निकल के है हमारा स्टूडेंट क्लोजूल पर सेकंड में ठीक है ये हमारे निकल है क्लोजूल पर सेकंड में किलो जूल पर सेकेंड में वैल्यू निकल के आई है तो यहाँ पे पावर हमारा क्या निकल का है पी तो पी बराबर हमको अगर एक किलोजूल पर सेकंड में निकल के आया है तो उसको मैं क्या करूँगा मेगा में कन्वर्ट करूंगा तो एक दो तीन तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव एट मेगा वाट वाट क्योंकि जूल पर सेकेंड क्या होता है, हमारा होता है? है? तो यहाँ पे कन्वर्ट कर, में कर, कर दिया तो क्वेश्चन तो में हमसे पूछा था कि हमारा टर्बाइन की इफिशियंसी कितनी आएगी उसके वैल्यू का उसके बारे में हमको बताना है या फिर हमको बताना है कि हमारा जो पावर है वो कितना निकल गया है वो हमको यहाँ पे बताना है ठीक है स्टैंड तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन कि जो हमारे क्वेश्चन थे वो आपको सभी को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे आपको केवल एक मेथड को समझना है स्टीम टेबल और मॉडल डायग्राम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना है और फॉर्मुले आपको पता ही है और वैल्यू को पुट करके अपना आंसर को आप निकाल सकते हो ठीक है स्टूडेंट तो यहाँ पे स्ट्रीन आपकी जो यूनिट फाइव है वो यहाँ पे आज खत्म हो जाती है तो आई होप आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव पांचों यूनिट मैंने आपको विथ सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको कवर कराया है कोई भी टॉपिक मैंने कोई भी टॉपिक मैंने अभी तक अभी कोई छोड़ा नहीं है सारे टॉपिक को मैंने आपको कवर कराया हमारे पीछे की जितनी भी लेक्चर क्लासेस हैं सब में आपको सारा प्रोसेस पड़ेगा पर लेकिन आप ध्यान देना पढ़ोगे तो फर्स्ट यूनिट से पढ़ना क्योंकि फर्स्ट यूनिट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फाइव क्योंकि यूनिट हम इसीलिए क्रम में लगाते हैं सीरीज में लगाते हैं ताकि बच्चा पहले आपको बेसिक समझे तो फर्स्ट यूनिट में हमने डिस्कस सारा बेसिक के बारे में आपको पढ़ाया था थर्मोडाइनेमिक का बेसिक होता क्या है जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा स्टूडेंट तब तक आप आगे की यूनिट नहीं पढ़ सकते और नहीं आपको कुछ समझ में आने वाला है तो आई होप आप स्टार्टिंग से ही लेक्चर को देखें वीडियो को देखें ठीक है फर्स्ट यूनिट को देखें फिर सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फाइव तो इस तरीके से अगर आप लेक्चर को देखते हैं तो आई होप आपको अच्छे से और अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो ठीक है स्टूडेंट तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और आपसे विदा चाहते हैं थैंक यू ऑल द बेस्ट